नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ वैश्य गौरी। भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। 9,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे महामारी घोषित किया हुआ है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी तमाम समस्याएं हो सकती हैं और इस वायरस को पहले कभी भी नहीं देखा गया है। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका भी नहीं बना है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से डरने की तो जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी जो सावधानियां हैं उनको बरतना चाहिए जिसके चलते कोरोना को हराया जा सकता है। तो इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे आप इस वायरस से खुद और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। कोरोना को हराना है और इसी बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन डॉक्टर। आपको बता दें कि जावेद अली जी बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। जावेद साहब, आपसे सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है ताकि आपके जरिए हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे सके कि आखिर कोरोना है क्या, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही है कि लोगों को हम उनकी सेहत के प्रति जागरूक करा सकें। लोगों को ये जानने की उत्सुकता भी है कि आखिर कोरोना है क्या और ये जो कोरोना की जो जितनी भी स्टेजेस बताई गई हैं वो कितनी घातक हैं। अभी तक के तो बहुत बार कोरोना पे डिस्कशन हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं लोगों के लिए यह बताना चाहता हूँ कि कोरोना जो है एक वायरस का नाम है जो कि मैमल्स में और कुछ जानवरों में पाया जाता था, जिसका कि अभी कुछ टाइम से दिसंबर के बाद से ये देखा गया है कि कोरोना जो है इंसानों में भी पाया जाने लगा है। तो ये वायरस की अपनी एक क्षमता होती है कि वह म्यूटेशन कर लेता है, मतलब अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से वो इंसानों में भी ट्रांसमिट हो सकता है। नॉर्मली तो ये जानवरों में ही पाया जाता था और आजकल ये देखा गया है कि म्यूटेशन जब से हुआ है ये इंसानों में भी फैलने लगा है, और इसके बाद इसमें एक और म्यूटेशन हुआ है जिससे पता चला कि ये इंसान से दूसरे इंसान में भी आ सकता है। तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पुराना वायरस है नए रूप में, जिसे कोरोना कहते हैं। जी, जिस तरह से डॉक्टर जावेद आपने जिक्र किया है क्योंकि ये एक पुराना वायरस है, लेकिन ये जो एक्टिव हुआ है तो उसको अभी इस दरमियान इसको कोरोना के नाम से जाना जा रहा है। कहा जाता है कि ये जो वायरस है वो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर रहते हैं, वो एक सर्टेन स्टेज पर ये एक बार फिर से जीवित हो जाते हैं। तो क्या वाकई में जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक पुराना वायरस तो है जिसको अब हम कोरोना के नाम से जान रहे हैं, तो जब ये एक्टिव होते हैं तो वो किस कंडीशन पे, किस लेवल पे जाके एक्टिव होते हैं? देखिए, वैसे तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये वायरस होता नहीं है, ये उन लोगों में होता है जानवरों में, और अब ये इंसानों में आया है तो इंसान की बॉडी में वहीं रहेगा जो इससे संक्रमित है। जो लोग इससे संक्रमित नहीं है उनकी बॉडी में ये वायरस नहीं रहता, और ये जब इसके रूट ऑफ एंट्री ऐसी है कि जब ये हमारी सांस के जरिए और म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए बॉडी के अंदर जाता है तो ये लंग को सबसे ज्यादा संक्रमित करता है और वहां पे इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और जो मनुष्य इससे संक्रमित हो जाता है वो इसकी एक प्रॉपर्टी होती वायरस की जिसको कॉन्टेजियसिटी कहती है, मतलब ये बहुत जल्दी दूसरे मनुष्य में भी लग सकता है। तो जब मनुष्य में, इंसान में जब ये वायरस नहीं रहता तो ये इसके टेस्ट निगेटिव आते हैं, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों में पॉजिटिव आते हैं जिनके शरीर में ये वायरस रहता है।
क्योंकि डॉक्टर जावेद, हमने अमूमन देखा भी है और जिस तरह से जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आप जितने भी तमाम जो दर्शक हैं वो भी इस बात को जानना भी चाहते हैं कि बुजुर्गों बच्चों का ज्यादा उनका एहतियात बरतने की जरूरत है, ख्याल रखने की जरूरत है, बार बार इम्यूनिटी डेवलप किए जाने का भी जिक्र किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करते हैं इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं वो बुजुर्ग बच्चे जो हैं, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी वजह से वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो किस तरह से इम्यूनिटी को डेवलप किया जाए? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ज्यादा की जिनकी एज है उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमजोर रहता है, तो वो लोग सबसे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं और उन लोगों की मौतें भी ज्यादा हो रही हैं। और जो लोग मतलब 60 साल से कम उम्र के हैं उनमें ये बीमारी होती है लेकिन उतनी ज्यादा घातक नहीं होती। रह गई बात बच्चों की, तो बहुत सरप्राइजिंग है कि बच्चों में ये बीमारी जब भी पाई गई है तो इसमें इसकी फैटेलिटी मतलब मृत्यु दर बहुत कम है। तो ज्यादातर मौतें उस केस में हो रही हैं जिनमें एज 60 साल से ज्यादा है या उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की शिकायत है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो कॉन्कोमिटेंट डिजीजेज जो हैं, या किसी को कैंसर है, उन लोगों में ये बीमारी ज्यादा घातक है। तो हमें उन लोगों का ज्यादा ख्याल रखना है जिनकी एज 60 साल से ऊपर हो या जिनको साथ में कुछ और बीमारियां भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर जुड़ गए हैं जो आपसे जाहिर सी बातें सवाल करना चाहेंगे। आशीष हैं, आशीष जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए डॉक्टर जावेद से अपना। मेरा आपसे प्रवासी है, कॉलेज फ्रॉम नोएडा। जी मेरा क्वेश्चन है कि मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको कोरोना का सिम्टम जल्दी आते नहीं है। जी तो इस बारे में मुझे जानना था कि जब अगर आते भी हैं उनको आते ही नहीं है कि मतलब ये आते हैं तो एकदम लास्ट स्टेज उनको पता चलता है, वो फिर वो कैजुअलिटी ज्यादा होती है उनके लिए। ठीक, नहीं बहुत अच्छा सवाल पूछा आशीष तुमने। देखिए सारा खेल इम्यूनिटी का होता है। अमूमन तौर पे ये देखा गया है कि वायरस के अगेंस्ट अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है, जैसे हमको नजला, जुकाम, बुखार, खांसी होता है, ये भी वायरस की वजह से होता है, लेकिन इनमें क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए गियर्ड अप है, तैयार है, तो वो वायरस हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन क्योंकि ये नया वायरस है इसके लिए हमारे बॉडी तैयार नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम रेडी नहीं है, इस वजह से इसकी घातक क्षमता ज्यादा है। जिन लोगों में इम्यूनिटी अच्छी है, जिनका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है, उनमें इस बीमारी के बहुत सारे लक्षण बहुत ही माइल्ड फॉर्म में मिलते हैं। सर्दी होगी, जुकाम होगा, गला खराब होगा, सोर थ्रोट होगा, और वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगे बिना किसी कॉम्प्लिकेशन। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि 80% पॉपुलेशन में अननोटिस ही चला जाता है, ये आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कोरोना हुआ, ये वायरल इन्फेक्शन हुआ और आपकी इम्यूनिटी अच्छी थी, आप ठीक हो गए, चले गए। तो लोग इसको समझते हैं कि सिंपल नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, जैसा हुआ वैसा हुआ। कुछ परसेंटेज केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम है किसी वजह से, जैसे एजिंग की वजह से, डायबिटीज की वजह से, उन लोगों में ज्यादा इसके लक्षण पाए जाते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए तो आपको बहुत सारी चीजें, आपका खान पान सही होना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और बैलेंस डाइट होनी चाहिए, रेगुलर वॉक पे जाना है, यही सिस्टम है इम्यून सिस्टम को मैच्योर या डेवलप करने के। ठीक है आशीष जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना बेहद जरूरी है अगर इस वायरस को हराना है। तो घनसौर से एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त नीरज जुड़ गए हैं। नीरज जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए आप। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं किडनी पेशेंट हूँ, मेरा डायलिसिस होता है, अगर कोई कोरोना पेशेंट का डायलिसिस हो जाए उस मशीन में और फिर दूसरा कोई अलग मरीज का डायलिसिस हो जाए तो क्या इससे कोरोना फैल सकता है? ठीक, आपका सवाल का जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल सही सवाल, मैं समझ गया, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर किसी कोरोना पेशेंट को कोई डायलिसिस मशीन यूज हो गई है, यानी उसका ब्लड की हीमोडायलिसिस हुई है और वो कोरोना से संक्रमित है,
अगर सेम मशीन को हम किसी दूसरे मरीज में इस्तेमाल करें तो वो उसको ये बीमारी लग सकती क्या? बिल्कुल लग सकती है। अगर उस मशीन को ढंग से सैनिटाइज नहीं किया गया, ढंग से क्लीन नहीं किया गया, उसके सारी चीजों को नहीं बदला गया, जो डायलाइजर होता है सेम अगर डायलाइजर यूज हो जाए या सेम मशीन के कल पुर्जे यूज हो जाए, डॉक्टर जावेद लगातार जो हमारे कॉलर हैं जुड़ रहे हैं उनके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे नीरज जी ने एक सवाल किया कि अगर किसी कोरोना वायरस की चपेट में संक्रमित किसी मरीज का डायलिसिस होता है और उसी मशीन पर अगर उस किसी दूसरे पेशेंट का डायलिसिस होता है तो क्या उसको कोरोना हो सकता है? तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, जवाब हमें लगातार डॉक्टर जावेद दे रहे हैं। जावेद साहब, ये बेहद ही एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आप दे रहे हैं। कई लोग इस तरह की बातें जानना भी चाहते हैं कि किस तरह से ये कोरोना वायरस किन किन चीजों की वजह से होता है। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए रायपुर से, पिंटू है। पिंटू जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। सर हेलो। जी 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 पिंटू जी, आवाज आ रही है आपकी, सवाल कीजिए। जी मैम, मैं बोल रहा था मेरे को बुखार हुआ था और मैं इलाज कराया था, अभी 4-5 दिन पहले ठीक हो गया था जी, और फिर सर्दी पकड़ा है, थोड़ा बुखार भी आ रहा है, तो उसी बारे में पूछना था। ठीक है डॉक्टर जावेद। अच्छा, मैं इसमें कुछ चीजें इम्पोर्टेंट है कि पिंटू जी, जैसे सबसे पहले तो हम ट्रेवल हिस्ट्री लेते हैं, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लेते हैं। अगर आपके घर के आसपास किसी को कोरोना की बीमारी थी, या आपके रिश्तेदारों में किसी को था, या आपके जान पहचान में निकट के लोगों को कोरोना था और आप उनसे मिले हैं और आपको ये परेशानियां हो रही, तो आपका जांच करना बनता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ नहीं था, आप बाहर नहीं ट्रेवल करके आए, आप किसी कोरोना वाले मरीज के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी आप इसको थोड़ा होल्ड कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। पिंटू जी, आपको आपके सवाल का जवाब जाहिर सी बात है मिल गया होगा, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर जावेद, अगर हम कोरोना की स्टेज को लेकर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो जो छत्तीसगढ़ है, कोरोना की स्टेज छत्तीसगढ़ में अभी क्या देखी जा रही है? छत्तीसगढ़ ने तो बहुत अच्छे से मैनेज किया है, इसके लिए भूपेश बघेल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका धन्यवाद। और हम एक वक्त में तो बहुत ही कम नंबर पे थे, कुछ अभी 2-4 दिनों में कुछ नंबर ऑफ केसेस हमारे बढ़ गए हैं, और ज़्यादातर जो हमने देखा कि जो ज़्यादातर ज़िले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, वो ग्रीन जोन में आते हैं, मतलब जिनमें कि या तो कोई भी कोरोना का केस नहीं है या जहां पे थे वो ठीक हो गए। तो छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना बिल्कुल कंट्रोल्ड है, और जो थोड़े बहुत मरीज एम्स में जिनका इलाज चल रहा है, वो उम्मीद है कि कुछ दिनों में वो भी ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने अभी जिक्र किया कि ग्रीन जोन है, तो इनको कई जोन में डिफाइन किया गया है, तो ग्रीन जोन के बारे में आपने जानकारी दी, रेड जोन, इन तमाम चीजों के क्या मायने निकलते हैं फिर? देखिए, अभी गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल दिया है कि जैसे 3 जोन में डिवाइड किया गया है जिलों को। ग्रीन जोन वो जोन है जिनमें कि कोरोना के मरीज या तो बिल्कुल नहीं है या थे और ठीक हो गए। उसके बाद एक ऑरेंज जोन बनाया गया है जो बीच का है, जिनमें के कुछ थोड़े से मरीज हैं कोरोना के और जिनका इलाज चल रहा है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो ठीक होके ग्रीन जोन में आ जाएंगे या कोई भी मरीज नहीं रहेगा। कुछ जोन ऐसे हैं जो जिनमें के रेड जोन में आते हैं, या हॉट स्पॉट जिसे हम कहते हैं, जहां पे के एक्टिव कोरोना के मरीज हैं काफी तादाद में, जिनमें के हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कटघोरा जिला जो एक है उसको, उसमें काफी मरीज पाए गए हैं, तो उस पूरे जिले को रेड जोन में रखा गया है और बहुत विजिलेंट वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है ताकि कोई भी मरीज जो है वहां से दूसरों को संक्रमित ना कर सके। ठीक है डॉक्टर जावेद, जब कोरोना का
टेस्ट किया जाता है, जब उसके सैंपल लिए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इजी नहीं है, दूसरे बीमारियों के सैंपल तो बहुत इजीली कलेक्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन इसके सैंपल लेने में विशेष तौर पर सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि हमने कई दफा देखा है कि जो रिपोर्ट्स, पहली रिपोर्ट्स आती है, दूसरी रिपोर्ट्स आती है, तो कभी पॉजिटिव आती है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव हो जाती है, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना इनके सैंपल लेने में किया जाता है और कितनी एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। सैंपल कब लेना चाहिए? सैंपल जो है, हम इनिशियल फेजेज में अगर लेंगे तो हमने डिसाइड किया था कि 3-4 दिनों से लेके 15 दिन तक जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है या इस पीरियड में ये कोरोना अपना मैनिफेस्ट करता है, तो 2 सैंपल लेने की बात हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी देखा गया है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वो पीरियड जब कोरोना का वायरस हमारी बॉडी में जाता है और अपने मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस करता है, इनके बीच का जो पीरियड है वो अभी देखा गया है कि 1 महीने तक हो रहा है, 30 दिनों तक के। कुछ लोगों ने 1 महीना पहले दिल्ली में सफर करके आए थे, उनको 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ, 30 दिन के बाद हुआ। तो पहली दिक्कत तो ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड अभी पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है कि कितने दिनों में हमें सैंपल लेना है, लेकिन हम इसको अमूमन 2 दिनों में और 15 दिनों में अगर लेते हैं, दोनों बार निगेटिव आता है, तो मान लिया जाता है कि ये पेशेंट को कोरोना से संक्रमित नहीं है। रह गई बात इसकी में दूसरी, क्या प्रॉब्लम? देखिए, वायर इसका सैंपल लेना बहुत आसान है। पहली चीज तो ये कि आपको पर्सनल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिस उसको पहन के लेना पड़ेगा, और इसके सैंपल 2 जगह से लिए जाते हैं, नेसोफेरेंजियल लिया जाता है या थ्रोट से लिया जाता है। तो ये दोनों सैंपल लेते हैं, इनको एक वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है, VTM कहलाता है, उसके अंदर इसके रखा जाता है इनके स्वाब को, और इनको उसकी लैब में भेजा जाता है। ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आदमी ले रहा है उसको अपने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहन के लेना, ये मान के करना है कि उसे उस मरीज को ये बीमारी हो सकती है, तो अपने आप को सेव करना है जी। और उसके लिए वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है जो अमूमन इजीली अवेलेबल रहता है, तो ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है डॉक्टर जावेद, अगर हम बात करें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे इमरजेंसी पीरियड में क्या कुछ मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? हमारे यहाँ तो सब कुछ अवेलेबल है। जिस दिन से सरकार ने डिक्लेयर किया है इस कोरोना के लिए हमें आइसोलेशन वार्ड बनाने हैं, तो मैं अपने हॉस्पिटल का जानता हूँ, वहाँ पे एक बहुत ही डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड बना है, और पूरे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराए गए हैं, और उनकी एंट्री और एग्जिट बिल्कुल अलग रखा गया ताकि दूसरे मरीजों के साथ वो मिक्सअप ना हो पाए। तो एक क्लीन जोन बनाया गया है और एक इन्फेक्टिव जोन बनाया गया है, दोनों बिल्डिंग बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से हॉस्पिटल हमारा पूरी तरीके से रेडी है इस चीज को डील करने के लिए। ठीक है, तो क्या लोग अभी भी रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर से दूसरे जो मेडिकल प्रॉब्लम है उनको लेके भी कंसल्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल करते हैं। आई मीन हॉस्पिटल ने इसके लिए वीडियो कॉल का इंतजाम किया हुआ है, और हम लोग जो भी मरीजों की जितनी भी तकलीफें हैं उनको वीडियो कॉल पे डील करते हैं। अपॉइंटमेंट दिया जाता है, और अपॉइंटमेंट देने के बाद 1-to-1 वीडियो पे उसको मरीज को देखा जाता है, और उस पर जो भी सलाह सही लगती है उनको दिया जाता है। तो वीडियो कॉलिंग जो है नेट पे आसानी से हो सकती है, और उस पर हम लोगों ने जितनी मरीजों की सहायता हो सकती है वो कर रहे हैं जी। छत्तीसगढ़ बालोदा बाजार से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मोहम्मद शाहरुख जुड़ गए हैं, सवाल करना चाहेंगे। शाहरुख जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी हाँ, मैं 4 महीने से कहीं आया गया जो घर में, तो इसमें भी इंफेक्शन की चांस है क्या? एक बार सवाल फिर से दोहराइए। नहीं, मैं 4 महीने से घर पे भी मैं समझ गया। जी 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 ठीक जी डॉक्टर जावेद। जी 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 आपका सवाल मैंने सुन लिया। अगर आप 4 महीने से घर पे हैं, कहीं बाहर नहीं गए, और किसी 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 मरीज से आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो आपको होने के चांसेस नहीं है।
तो शाहरुख जी आप सेफ हैं, एहतियात बरतिए। डॉक्टर जावेद साहब भी बता रहे हैं कि किस तरह से एहतियात आप लोगों को बरतना है और कैसे सुरक्षित रहना है। डॉक्टर जावेद, किस तरह का डाइट होना चाहिए, किस तरह का डेली रूटीन होना चाहिए जिससे न केवल कोरोना वायरस से जो आम जो छोटी बड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। देखिए, अभी तो हम लोग सब लॉकडाउन वाली पीरियड में हैं, घर के अंदर कैद हैं, तो उसके लिए WHO ने और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने पूरी गाइडलाइन निकाली है कि आपको कैसे रहना है। सबसे पहली चीज तो क्या है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है और पौष्टिक आहार लेना है। अब उसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर लोग जानते हैं कि पौष्टिक आहार में कुछ चीजों की मनाही होती है, जंक फूड नहीं खाना है, ऑयल कितना खाना है, तो बैलेंस डाइट लेनी पहली चीज। दूसरा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है घर के अंदर ही। हाँ। और वो एक्सरसाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं घर पे, अपने टेरेस में, अपनी बालकनी में। तीसरी चीज, आपको अपना मोराल हाई रखना है, क्योंकि घर के अंदर रहते रहते बहुत ज्यादा टीवी में जो और व्हाट्सएप में और इन सब मीडिया में जो भी दिखाया जाता है उनको सुन के बहुत सारे लोगों को दिमागी परेशानी हो रही है जी। इतना सारा ओवर डोजिंग हो गई है कोरोना की, लोगों के दिमाग पे इसका काफी बुरा असर पड़ रहा है। तो अपना जो नॉलेज है वो सही जगह से लें और उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ताकि आप जो है दिमागी तौर पे इससे इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहें। जी, क्योंकि डॉक्टर साहब वक्त की अब बेहद ही कमी है, हम आखिरी पड़ाव पर हैं। चलते चलते क्या सलाह आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सलाह तो जो है सरकार की है, जिसको हम सबको फॉलो करना है। अभी लॉकडाउन पीरियड में हमको सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो करना है। अगर आप किसी घर के लोगों से मिल रहे हैं या आपके रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए। हैंड हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार हाथ धोने की साबुन से, सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए। और अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का मशवरा बिल्कुल ख्याल में रखें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना चाहिए साबुन से, सैनिटाइजर से। और अगर खांस रहे हैं, बुखार है, छींक रहे हैं, तो रुमाल का या और ऐसी किसी चीज़ का, मास्क का आप इस्तेमाल करिए। रेगुलर पब्लिक के लिए जो लोग हेल्थ केयर सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं उनको सिंगल लेयर, डबल लेयर मास्क सफिशिएंट है। N95 मास्क जो है सिर्फ उन लोगों के लिए रख देना चाहिए जो कोरोना इन्फेक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं, ICUs में कर रहे हैं, इमरजेंसीज में कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं। तो मतलब 2-ply or 3-ply मास्क जो है सबके लिए सफिशियंट है। अगर कुछ ना हो तो आप उसको सिंपल अपने रुमाल से भी कवर कर सकते हैं, गमछे से कवर कर सकते हैं, दुपट्टे से कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। और स्वराज एक्सप्रेस भी, क्योंकि आप लोग कोरोना वॉरियर हैं और आप लोग सुरक्षित हैं तो पूरा जहान सुरक्षित है, जान है तो जहान है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो भारत में कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है, बचाव हमने आपको बताए और हमारा मकसद भी इस कार्यक्रम का यही है कि किस तरह से आपको इस संक्रमण से बचाना है। एहतियात बरतिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बना ये हर पल खास।